नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल। देखिए, ग्वालियर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव चल रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। 47 औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ है। औद्योगिक इकाई लगाने वालों से संवाद भी किया है। 120 इंडस्ट्री के संचालकों को दस्तावेज सौंपे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि आवंटन के दस्तावेज सौंपे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, जैसे मिल के मजदूरों का भुगतान किया जाता कुमचंद मिल के बाद सीएम ने फैसला लिया। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी की घोषणा की। मुरैना के सीतापुर में जो है पुलिस चौकी खोली जाएगी। बानमोर में फायर स्टेशन बनेगा। बानमोर में इंडस्ट्री विकसित की जाएगी। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी प्रज्वलन किसान कार्यक्रम की शुरुआत की। बड़ी बातें इस कॉन्क्लेव की कि 9 सेक्टर यहां पर हैं और 9 सेक्टर के उद्योगपति यहां पर हैं और 24 प्रस्तावों से यहां पर रोजगार आने की संभावना है। सीएम ने कहा, हमारा देश रामकृष्ण का देश है, इससे सीखना चाहिए और शासन और विकास कैसे किया जाता है। भगवान कृष्ण तो कंस वध के बाद द्वारकाधीश बना था। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शासन का भी उदाहरण दिया। कई सारे उदाहरण उन्होंने अपनी बातों से रखे हैं। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना की अलग पहचान होने की बात कही। उन्होंने कहा, ग्वालियर जहां ग्वालव ऋषि के नाम से है, वहीं संगीत सम्राट तानसेन, महारानी लक्ष्मीबाई, राजमाता विजयाराजे सिंधिया की वजह से भी ग्वालियर की पहचान है। और चलिए सीधा ग्वालियर का रुख कर रहे हैं, जहां ग्वालियर में इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी मौजूद हैं। वहां वो इस कार्यक्रम को कवर भी कर रहे हैं और बारीकी से हर बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में क्या कुछ हो रहा है, सीएम ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ खास बात रही, हम जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, आप ओवर टू यू, क्या बताएंगे आप इस कॉन्क्लेव के बारे में? देखिए पारुल, तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इसमें तमाम सारे बड़े निवेशक आए, जिसमें करण अडानी, अडानी पोर्ट के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि शिवपुरी को भद्रवास के साथ साथ गुना में एक सीमेंट प्लांट और जो डिफेंस इंडस्ट्री है उससे जुड़े प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें 3,500 करोड़ का निवेश करेंगे। जो एक अडानी ग्रुप के साथ साथ डाबर ग्रुप के अधिकारी यहाँ पे, जिन्होंने फूड इंडस्ट्री में बड़ा इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की ओर से उनके वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कनेजा भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि मध्य प्रदेश क्यों निवेशकों के लिए फ्रेंडली साबित हो रहा है। सबसे खास बात यह कि इस पूरे कॉन्क्लेव के अंदर मुख्यमंत्री ने 47 जो इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं उनका वर्चुअल उद्घाटन किया। उनमें से कुछ भोपाल ये प्राप्ति जी है, कुछ मालनपुर जो भिंड जिले में आता, ग्वालियर के नजदीक है, वहां थी। बामनोर जो की मुरैना जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है, पीथमपुर धार की बात कर ले हम। इसके साथ ही नीमच जिले में भी कुछ इकाइयों का उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया, पांडुर्ना जिले में भी। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौके में मौजूद जनप्रतिनिधि, जिन उद्योगपतियों ने वहां उद्योग लगाए हैं उनसे भी वर्चुअली संवाद किया। इसके बाद जब नरेंद्र सिंह तोमर बोलने आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री को काफी तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री काफी विजनरी हैं। और उनकी तारीफ में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ये पहले ऐसे आदमी डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने सोचा है कि इस प्रकार के आयोजन रीजनल स्तर पर किए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को मौका मिल सके। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक जो नीतियां उसका भी उन्होंने काफी समर्थन किया। इसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो उन्होंने पुरजोर तरह से मोहन यादव की नीतियों को सराहा और ग्वालियर के लिए कई सारी उन्होंने मांग की, जिसमें काउंटर मैग्नेट सिटी की बात है। और कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सौगात बड़ी ग्वालियर को दिए कि बड़े जल्दी से यहाँ एक निजी निवेश के तहत एक बड़ा विश्व स्तरीय हॉस्पिटल इस ग्वालियर में खुलने वाला है। उन्होंने सिंधिया परिवार के योगदान की सराहना की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार तारीफों के फूल बांधे और ये बताया कि क्या कुछ बदलाव मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने जो इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उसके बाद कई सारे अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बताया था कि मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से बताया गया है कि यहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व है, लेपर्ड स्टेट है हम, घड़ियाल स्टेट है हम, टाइगर स्टेट है हम,
यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, कोयले की बात हो, कॉपर की बात हो, एल्यूमिनियम की बात हो, जमीन सरकार के पास कितना लैंड बैंक है उसके बारे में अधिकारियों ने विस्तार से बताया। टूरिज्म को लेकर अपनी नई पॉलिसियों के बारे में बताया था अफसरों ने कि मध्य प्रदेश इस दिशा में क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा है, कहाँ टेंट सिटी बनाई जा रही है, कहाँ पर नए रिसोर्ट की उद्योगों की संभावना है। इन सबके बाद जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोलने आए तो उन्होंने पूरे पूरे अपने विजन के बारे में बताया, और जिस मिल का आपने जिक्र किया है हुकुमचंद मिल का, उसमें उन्होंने बताया कि सरकार जब मोहन यादव की आई तब तक ये समस्या चल रही थी, 7,000 जो मजदूर थे उनमें से 2,000 की मौत हो चुकी है अभी तक, और 5,000 अभी तक अपने हक का पैसा पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को मजदूरों की चिंता भी करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि होता यह है कि सरकारें किसी इंडस्ट्री को जमीन दे देती है, किसी कारण से वो इंडस्ट्री अगर चल नहीं पाती है तो उसके मजदूरों का जो बकाया हो जाता है तो सरकारी अफसर वो प्रशासनिक अड़ंगेबाजी के बाद ये मान लिया जाता है कि ये मजदूरों की चिंता का काम उस इंडस्ट्री का है जिसके लिए वो काम कर रहे थे, ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने एक नया फार्मूला निकाला जिसके तहत उन मजदूरों को बकाया भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री को हमने जमीन दी थी हुकुमचंद मिल को, वो अरबों रुपए की जमीन है, वो राज्य सरकार के पास अब वापस आ गई, उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने उज्जैन की विनोद मिल का उदाहरण दिया कि कैसे मिल जब बंद हुई तो मजदूरों को पैसा दिलाया, और इसी प्रकार की एक मिल भोपाल में थी जेसी कॉटन, उसके मजदूरों को भी उन्होंने जो बकाया राशि दिलाने का ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकारें हैं उनको उद्योगपतियों की चिंता के साथ साथ जो मजदूर हैं उसकी चिंता करना चाहिए। जो राजा विक्रमादित्य थे उज्जैन के, उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे जब उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी तो उसके पीछे क्या कारण थे, उनके राज्य में सारे लोग सुखी थे, उद्योग व्यापार फूल फल रहे थे, आम आदमी सुखी था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य की कल्पना मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तमाम सारे राज्यों का उदाहरण दिया। कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि जब मुख्यमंत्री ने बेंगलोर में रोड शो किया था तो वहां के उद्योगपतियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की और इच्छा जताई कि वह निवेश करना चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण दिया कि कल भोपाल के अचारपुरा में उन्होंने एक इकाई का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है, जिसमें एक जर्मन उद्योगपति और एक कोलकाता के उद्योगपति है। तो उन्होंने कहा कि पहले हम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में करना चाहते थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो इको फ्रेंडली नीति है उसको देखकर हम 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ करने वाले हैं। ये कंपनी बच्चों के डायपर बनाने में जो अंदर कॉटन यूज होता है और कपड़ा यूज होता है उसका निर्माण कर रही है। चाइना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की है, एक इको फ्रेंडली और एक जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एक सिस्टम, उन्होंने एक वेबसाइट का लोकार्पण किया जिसमें आप जिस भी जिले में औद्योगिक क्षेत्र में आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें लैंड बैंक कितना है, कुछ क्षेत्र खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, वहाँ कौन कौन से ध्यान लगा सकते हैं और सरकार उसमें आपकी क्या मदद कर सकती है। इसके साथ ही उद्योग फैसिलिटेशन सेंटर उन्होंने बनाया पूरे मध्य प्रदेश में कि जहाँ पर एक अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में काम करेगा, उद्योगपति अगर वहाँ जाते हैं तो उनकी सारी समस्या जो उनकी दिक्कत है उसके बारे में वो संवाद करेंगे और सरकार तक उस नीतियों को पहुंचाएंगे। इसी प्रकार का संवाद जब वो मक्सी में कर रहे थे तो साजापुर विधायक अरुण ढूंगावत ने उस इंडस्ट्रियल एरिया की शिकायतों को लेकर कहा तो मुख्यमंत्री ने तत्काल मौके पर कहा कि जहाँ AKVM के जो डायरेक्टर उनसे बात कराइए। मुख्यमंत्री ने उनको निर्देश दिए कि आप विधायक और उद्योगपतियों से अभी तत्काल बात कीजिए, उनकी जो समस्या है क्या मांगे वो लिखकर मुझे दीजिए, जब संभागीय स्तर पर समीक्षा होगी तो मैं उसमें बात करूंगा। जब धार की विधायक नीना वर्मा उससे बात कर रही थी तो मुख्यमंत्री ने बताया कि धार जिले के बदनावर में एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसमें लगभग 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तमाम छोटी इकाइयों के जो लोग जिन्होंने अपने इंडस्ट्री लगाई है उन्होंने उनसे बात की। इसके साथ ही जो लोग मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं ऐसे लोगों का चयन करने के बाद उनको मौके पर जो जमीन का आवंटन थे मुख्यमंत्री ने 5-6 प्रमुख लोगों को उसके दस्तावेज सौंपे और उम्मीद जताई कि जब ये इंडस्ट्री शुरू होगी तो मध्य प्रदेश सर में और निवेश हो रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा। बिल्कुल मनोज जी, आप लगातार नज़र बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो मनोज शर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं जहां पर रीजनल इन्वेस्टर समिट चल रहा है और कॉन्क्लेव चल रहा है। उस कॉन्क्लेव में वो तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उन तमाम बिंदुओं को उन्होंने अपने बात में भी रखा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सीएम ने अपने संबोधन में क्या क्या बातें कहीं, उसके अलावा सिंधिया ने क्या कुछ कहा और वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो भी किसी न किसी तरह का रोड मैप और अपनी प्लानिंग्स लेकर पहुँच रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरह से मध्य प्रदेश से कनेक्ट होकर अपनी प्लानिंग लेकर आए हैं और कनेक्ट करना भी चाहते हैं और इसलिए जो निवेश है, जो निवेशक हैं वो भी अपना विजन रख रहे हैं कि आगे वो मध्य प्रदेश में क्या कुछ करना चाहते हैं, इसको लेकर भी मनोज जी ने हमें जानकारी दी।